आई शो यू समथिंग गाइस, माशा इतनी एक्साइटेड हो जाती है जब भी उसके लिए कोई ड्रेस खिलौना कुछ भी आता है, मतलब बच्चे एक्चुअली एक्साइटेड हो जाते हैं। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, एक्चुअली प्लान है माई ट्रिप। उस ट्रिप के लिए मुझे माइशा के लिए ना कुछ चीज़ें मंगानी थी, तो मैंने उसके लिए ड्रेस मंगाई है और मैंने उसे अभी दिखानी है। अब देखना, मैंने उसे ये बोला, मैंने माइशा दादी को बुलाओ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, मी साइमा एंड इट्स ब्लॉग। चलो आज बुलाओ माइशु। तेरा कैसे बुलाते हैं? उश उश बुलाओ, बुलाओ। नहीं, फिर हम कैसे देखेंगे आप? और अच्छे से दादी। और अच्छे से दादी। ओके, अब दादी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। चॉकलेट नहीं लाई हूँ ना, कुछ लाई हूँ। ये क्या हो गया? क्या हुआ? आयशा की ड्रेस दिखाओ। दे दू बेटा? शाइन नहीं, स्लाइम दे दू। स्टिया से कुछ ज्यादा ही वो रखे इंस्पायर्ड। लुक एट दिस, आई हैव सो मेनी मेनी परफ्यूम्स। थैंक यू सो मच संजोक्ता। संजोक्ता ने बोला मेरे पास काफ़ी सारे मिनीज हैं। साइमा तो जो मैं इतना यूज़ नहीं करती, मैंने कहा यूज़ तो मैं भी नहीं करती सी। आई हैव दिस वर्साचे वन एंड दिस लैंकम वन। इसके अलावा भी मिनी परफ्यूम्स हैं, तो मैं इन्हें यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे को इनको रखने का बड़ा शौक है, और खुद है सबका अपना अपना शौक। तो मेरा ये शौक है कि मुझे मिनीज इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। इसने मुझे काफ़ी सारे मिनीज दिए, दिस डेजी वन, दिस वर्साचे येलो डायमंड, दिस विक्टोरिया सीक्रेट, एंड इसके साथ तो स्प्रे भी आता है। बट दीज आर एक्चुअली मिनीज। OMG, दीज आर रियली क्यूट। सो थैंक यू सो मच संजोक्ता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इनको सजाने जा रही हूँ परफ्यूम पे। बाय द वे रिसेंटली माय ने मुझे ये परफ्यूम दिया है, सॉल द जेनारियो परफ्यूम। इट्स लाइक बॉडी मिस्ट, बॉडी एंड हेयर मिस्ट, और ये हमने मुंबई एयरपोर्ट से लिया था। जो मेरे बालों की कंडीशन है, मैं जा रही हूँ हेड वॉश करने। और फिर से चला तो दिया मैंने। मम्मा भी बोल लो ना, मम्मा शादू। क्यों रो रही है? इतना मुश्किल है ना भाई साहब, मेरे लिए शोर में काम करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहना ये वाला सूट जो कि मेरे ईद सीरीज का था, खत्म नहीं हो गया तेरी यार। 30 डेज का जो चैलेंज है ना, इस चक्कर में मेरी ईद की सीरीज खत्म हो गई है मेरी। रोज कुछ ना कुछ शूट करना पड़ता है दूसरे दिन। अब जा रही हूँ मैं मेकअप निकालने, क्योंकि मुझे और भी काम है। और बस माइशा ना उठ जाए, क्योंकि वो उठती है तो कहीं कुछ गिराना, कुछ कुछ करना। मेरे इतने दाग है ना चीज़ों पे, वो हमेशा कुछ ना कुछ फैलाती रहती है। नो, डोंट टच माय थिंग्स। माइशा आप मेरे कमरे में कर क्या रही हो? मेरे स्टूडियो में इधर देखो, मेकअप ये लगाने का है कहाँ पर? ये इस पे बहुत पता है तुम्हें, इस पे भी। अच्छा ठीक है, ब्लैक नहीं लेना, ब्लैक नहीं लेना, ओनली ये वाला ऑरेंज। हाँ हाँ, चूजी हो गया। यहाँ से ये पिंक, ये पिंक। गंदा बच्चा। अच्छा ठीक है, रोना नहीं। क्या चाहिए? क्यों चाहिए? हग्गी मिलेगी, अच्छे से मिलेगी हग्गी, अच्छा वाला हग्गी। कैसे करते हैं? शेडो आपने कहाँ लगा के आया? सो उधर लगा के आ गए ना। लाग लगा देती हूँ मैं, नहीं दे रही फिर। अरे अब दूसरा यार, ये क्या बात हुई यार? हग्गी मुझे नहीं दे रही, क्योंकि पिछली बार मैंने गायब कर दिया था। इस बार ट्रस्ट इश्यू हुआ, ट्रस्ट इश्यू से तुम ले गई वहां पे। जो एंट्री है मम्मा को मिली है। चलो बस इसे दाग लग जाएगा मैट वैट पे, और दूसरी चीज दूंगी खेलने के। इसीलिए मैं मायशा को आई शेडो नहीं देती हूँ। ये भी मायशा ने पहले दाग लगाया था, और अभी ये सब आई शेडोज लगा के वो अपनी छोटी छोटी उंगलियां टिका के चली गई। सी कितनी गंदा सोफा कर देती है। बट इन स्टेन्स को क्लीन करने के लिए आई हैव अ सोल्यूशन। मैंने रिसेंटली ट्राई किया दिस अगारो पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर। इजिली कैरी करने के लिए इसमें ये हैंडल दिया गया है, और ये दो टैंक्स के साथ आता है। इसके साथ आपको दो अलग ब्रशेस और अदर अटैचमेंट्स मिलते हैं। ये है फर्स्ट अटैचमेंट डीप स्टेन टू। इधर ब्रश दिया गया है, और ऊपर कैप है जिसे आप बाद में ओपन करके इसको क्लीन भी कर सकते हैं। इस अटैचमेंट के साथ आप पानी स्प्रे करके, यहाँ से पानी स्प्रे होगा और आप अपने दाग को साफ कर सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड ब्रश। इसके हेल्प से आप कार्पेट, मैट, स्ट्रग या सिमिलर चीजों की वैक्यूम क्लीनिंग
कर सकते हो विदाउट पानी। और ये है सेल्फ क्लीनिंग टूल जिसको यूज किया जाता है होस की सफाई करने के लिए। होस पे अटैचमेंट को लगाना काफी आसान है, जो अटैचमेंट आपको यूज करना है वही आपको इस तरीके से अटैच कर देना है। पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर के साथ आपको 5 मीटर लंबी वायर मिलती है जो कि काफी लंबी है, आप इजिली दूर तक भी क्लीन कर सकते हैं। और इसके साथ आपको मिलता है क्विक रिलीज कॉर्ड रैप, आपकी वायर को आप बाद में यूज करने के बाद उसे अच्छे से रैप कर सकते हैं। इसे यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और जैसा आपने देखा सोफे में ना पहले से काफी सारे दाग है और मायशा ने अभी भी जो मेकअप है वो लगा दिया, तो वो इजिली रिमूव नहीं होता। उसके लिए मुझे डीप स्टेन टूल ही यूज करना पड़ेगा, वेट करके मैं उसे क्लीन करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कैसे क्लीन कर सकते। डीप क्लीनिंग करने के लिए आपको पहले वाटर टैंक में पानी भरना पड़ेगा, मैक्स आप यहाँ तक पानी भर सकते हो, यहाँ पे लिमिट दिखाई हुई है। इसने काफी हद तक इसको क्लीन किया और ड्राई भी किया है। आई एम सो इम्प्रेस्ड, लाइक मेरा हमेशा सोफे पे दाग जो होते थे वो जाते ही नहीं थे, बट इससे बहुत इजिली जा सकते हैं। इवन आई हैव वाइट मैट्स एंड रग्स जो कि क्लीन करने में काफी मुश्किल है, आई थिंक दिस विल हेल्प मी अ लॉट। दिस इज माई जेन्युइनली, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो अब आपको सेल्फ क्लीनिंग कैसे करनी है, इसका अटैचमेंट जो है वो आप यहाँ प्रेस करोगे ना, इसको ऐसे क्लीन निकाल लेना है आपको, ये इस अटैचमेंट को लगाना है और उसके बाद मशीन को ऑन कर देना है। सेल्फ क्लीनिंग टूल से जो इसमें गंदगी थी इजली क्लीन हो जाता है, आपको इस बटन को दबाना है, यहाँ से प्रेशर से पानी आएगा और वो उसे क्लीन कर देगा। अब वेस्ट वाटर टैंक जो है उसके अंदर वाटर है वो इकट्ठा हो गया, लेट मी शो यू। तो ये हमारा है वेस्ट वाटर और इसका कलर भी आप देख सकते हो, जस्ट लुक एट दिस। हमारा जो भी यहाँ स्टेन था, हमारे जो मेकअप वगैरह लगाया था वो, और पहले के जो बहुत स्ट्रॉन्ग दाग थे वो भी काफी हद तक क्लीन हो गया। मैंने इसके अंदर कोई भी लिक्विड सोप नहीं डाला था, आप इसमें लिक्विड सोप डाल के भी और अच्छे से क्लीन कर सकते हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्लीनिंग चाहिए। सेकेंड ब्रश आप अपने रग एंड मैट्स के लिए यूज कर सकते हो। आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट पोर्टेबल स्पॉट क्लीनर, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। मेरे घर में काफी सारी चीजें हैं जो मैं इजिली क्लीन कर सकती हूँ विदाउट एनी टेंशन। सो या इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अमेज़न से आप इसे बाय कर सकते हो। और ये दोनों देखो नास्टिया कितना प्यारा डांस करती है। मायशू आप भी ऐसा डांस करके मुझे दिखा दो, डांस करके दिखाओ। ये देखो ऐसे डांस करती है नास्टिया। A few moments later. हाँ, मैंने बनाए हैं राजमा चावल आज लंच में सबके लिए। हमें जाना है मार्केट लाजपत नगर खुशबू दीदी की कुछ स्पेशल शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि खुशबू दीदी की अंश मतलब क्यांश का है जो कुआ पूजन होता है ना वो करना है, बेटे का जो होता है वो है नेक्स्ट मंथ, तो उसकी कुछ तैयारियां करनी है, कुछ चीजें खरीदनी है, ड्रेसेस खरीदनी है। खरीदनी तो सबको है, सबको प्लान करना है, बट हमें नहीं पता। आज घर की सारी लेडीज जा रही है इंक्लूडिंग मम्मी भी, मम्मी के साथ जाना है, तो हम घर की सारी लेडीज और वो सारी एक्सेप्ट ताई और माँ हम सभी जा रहे हैं। मायशा भी जा रही है, ये मायशा तो जा रहा है क्या बेबी, खींच कर लो मम्मा को, खींच कर लो। छोटा मयंक है ये, छोटा मयंक है। एक बार और, ओए ओए ब्लश कहाँ लगाया था आपने, ब्लश बताना कहाँ लगाया था। आज मायशा ने ब्लश लगाया था, ये देख यहाँ लगाया था ब्लश हमने, कहाँ लगाया था यहाँ है ना। क्या आपको ब्लश लगाना अच्छा लगता है? लेडी शेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी चंदा बेटी, बाय बाय, लेट गेट रेडी करना, लेट गेट रेडी। ओए A few hours later. ये तो हम सब मार्केट के निकले हैं, चार लड़कियां, पहले नीचे का भी डिसाइड था भावना आएगी, बट वो भी लड़की है मतलब लेडीज लेडीज। अब मैं लेडी हूँ। कह रही है मुझे कुछ और दिला दो, टॉय नहीं दिला रही तो छोड़ दे, वो पत्थर चाहिए।
शॉपिंग में से भीड़ होगी और आज होली है, छोटी होली है तो शायद इसलिए आज अच्छी चीज है, आराम से कर लेंगे और धूप भी नहीं लगनी चाहिए। धूप नहीं है ना आज, मौसम अच्छा है। ओके, तुमने पहला ये लहंगा चूज किया दीदी के लिए। पीछे घूमो, ऐसे टर्न हो। ये बैठी मम्मी, वो तो दुपट्टा लेंगी दीदी ना। गवाक्षी बलून्स कितने के दिए दीदी? माइशू खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बराना, ये हमारी माइशू है बराना। एक चीज नहीं, हाँ एक जींस ली है। हाँ बस मैंने एक जींस ली है और माइशा के तब से पीछे हम नखरे उठा रहे हैं। A few moments later. We are back. हम लोग घर आ गए हैं। अब हम लोग ना अलग से हम बातें करते हैं, हिंदी में सेम चीज़ बोलेंगे, इंग्लिश में सेम चीज़। मैंने दो ड्रेसेस वहाँ से ली हैं, लोग मुझसे बाद में उसका लिंक मांगेंगे, पहले बता दूँ। मैंने ये पर्पल कलर की ड्रेस ली जो मुझे 400 की पड़ी, और ये ग्रीन कलर की ड्रेस ली जो मुझे 500 रुपये की पड़ी। इसके अलावा हमने काफ़ी कुर्ता सेट लिया, माशा के लिए दो तीन टी शर्ट्स लिए। हम लेने गए थे खुशबू दीदी के लिए आउटफिट और हमने उन्हें बहुत फ़ोन कर करके दिखाया, बहुत। और जेगिंग्स भी लिए मैंने, बहुत अच्छी दिखाती हूँ। तो ये वहाँ से कुर्ता सेट्स लेके हैं जो कि 600 वाले मिलते हैं। कामाक्षी अपने लिए निकल आई है, मायशू के लिए हमने कुछ टी शर्ट्स ली हैं, ये कुर्ता सेट, और जीगू तो अभी सुबह से ये बन के घूम रहा है। जीगे नाच के दिखा, नाच मायचू। मेरे बेटू को कहा हुआ, बेटू को आओ बलून दो, गिव मी बैक। क्यूट है, इसमें पतली सी बेल्ट लगा लूंगी, इसकी लेंथ मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। हाँ वाली तुझे ज्यादा शायद समझ आए, पसंद आए, मुझे नहीं पता, नहीं वो ज्यादा अच्छी लग रही है। मतलब इसकी जो लेंथ है ना इज जस्ट सो, नहीं मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। ये जेब नहीं होनी थी इसमें, पैसा यार जितने लोग होते सबकी अपनी चॉइसेस होती है। A few hours later. बारिश हो गई, A few moments later. Okay, तो घर के बगल में आप लोगों ने लास्ट टाइम जींस जहाँ से मैंने ओवरस्टॉक नाम है भाई, ओवरस्टॉक से लिया था, ये मेरे घर के पास से मिलेगा, कहीं मिल नहीं सकती, तो मैं वहीं पर आई हूँ। पीछे कलेक्शन देख सकते हो, मम्मी भी आ गई। ब्यूटीफुल, तो मुझे थोड़ा चंद लम्हे मिले थे, मैं आई जाती हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत सुंदर कलेक्शन है, ये वाला भी बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी पसंद करो, कुछ पसंद आते कर लो, अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी एक्सपेक्ट होती हैं। तो ये अच्छा लग रहा है हमारा अबाया, तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अंदर एक प्लेन शर्ट है, बॉटम है और उसके साथ एक दुपट्टा है, तो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। ये है इसकी जान, क्या जान है, जान है। तो कल मैं खाला से मिल के आई क्योंकि खाला की तबीयत खराब थी, वो एक रात के लिए आई थी, मैं रुक नहीं सकती थी, इसलिए मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए मिल के आ गई। बट उस 2-3 घंटे में मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली, मैं खाला से मिल ली, मेरे ईद का एक सूट ले लिया, वो जो रेड वाला आपको दिखाया था, स्टोर का मतलब वो लिंक मांगी है जो भी। बट एक्चुअली जैसे आपके घर के पास लोकल शॉप्स होती है ना, वैसे ही मेरे घर के पास लोकल शॉप है, और इतना ईजी नहीं है। अगर आप आस पास रहते हो, जो लोग जानते हैं मतलब, तो मिल उनको तो मिल सकती है, बट वैसे मैं अगर उनको एड्रेस भी दे दूँ तो अभी इजली, क्योंकि उनका स्टॉक उतना नहीं होता। अब मुश्किल से 3 या 4 सूट थे जो कि शायद अगले दिन तक सेल आउट हो जाते हैं, तो बस मैंने लिया है, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं वही सूट पहनूंगी, हो सकता है मुझे कुछ और ऑनलाइन पसंद आ जाए। खाला से मिल ली, ईद की शॉपिंग कर ली, इफ्तार कर ली घर वालों के साथ, ओवरऑल बहुत अच्छा है। अब मैं ईद के लिए ही घर जाऊँगी और यहाँ पर जो फेस्टिवल है उसके लिए यहाँ पर आ गई। तो यार दैट वॉज ऑल अबाउट दिस व्लॉग, छोटू मोटू सा। क्या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।